हेलो एवरीवन, वेलकम टू पी केमिस्ट्री। सो फाइनली आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पीरियोडिक टेबल। बहुत से लोगों ने बोला था कि आप पीरियोडिक टेबल पे एक वीडियो बना दो, ठीक है। तो पीरियोडिक टेबल में आज का जो सेशन है उसमें हम लोग करने वाले हैं बेसिक इंट्रोडक्शन पार्ट, ठीक है। आज जो हम पीरियोडिक टेबल देखते हैं जिसमें कलरफुल चार्ट मिलता है, बहुत सारे ब्लॉक्स मिलते हैं, बहुत सारे ग्रुप्स मिलते हैं, बहुत सारे एलिमेंट को अरेंज किया गया है, वो हमारा होता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, इसको बोला जाता है, या फिर लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल बोला जाता है। बट स्टार्टिंग में ऐसा नहीं था। अभी जो हमारे पास पीरियोडिक टेबल वो डायरेक्ट नहीं आया, बहुत से साइंटिस्ट ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से एलिमेंट जितने उस टाइम तक डिस्कवर हुए थे उसको ट्राई किया, एक टेबल बनाने का, उसमें सारे एलिमेंट को रखने का ट्राई किया, बहुत सारे बेसिस रेफरेंस लिए। बेसिस रेफरेंस कहने का मतलब क्या है कि किसी ने केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर अरेंज किया, किसी ने फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर अरेंज किया, किसी ने क्या किया एटॉमिक मास के बेसिस पर अरेंज किया, किसी ने एटॉमिक नंबर के बेसिस पर किया। तो हर एक साइंटिस्ट ने अपना अपना कंट्रीब्यूशन दिया जिससे कि सारे एलिमेंट्स को एक अच्छे से टेबल में अरेंज किया जा सके, ताकि उसको स्टडी करने में हमारे का सिंप्लिसिटी हो, आसानी हो उसको पढ़ने में। ऐसा क्यों करना पड़ा? बिकॉज जब कुछ बहुत कम अमाउंट ऑफ एलिमेंट जब डिस्कवर हुए थे तो उसको स्टडी करना तो क्या था, इजी था। बट जब मोर एंड मोर एलिमेंट की डिस्कवरी होने लगी तो उसके करस्पॉन्डिंग कंपाउंड भी बहुत सारे बनने लगे, ठीक है, एलिमेंट के कंबाइन होने से, तो उसको स्टडी करने में प्रॉब्लम होने लगी, कौन से एलिमेंट क्या कंपाउंड बनाएगा, और ठीक है उसको अगर हम पर्टिकुलर एक एक एलिमेंट का रखेंगे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो उन्होंने क्या किया, एक बोला कि इसको क्लासिफाई करते हैं। क्लासिफाई करने के लिए क्या होता है, कुछ ग्रुप्स को एक साथ रखना होता है, तो उन्होंने ट्राई किया कि कुछ एलिमेंट को एक साथ रखा जाए ताकि उसको अगर एक को हम पढ़ ले तो बाकी की प्रॉपर्टी भी हमको सिमिलर वे में समझ में आ जाए या सिमिलर वे में हम स्टडी कर सके। तो बहुत सारे साइंटिस्ट आए, उन्होंने ट्राई किया अरेंज करने का, तो कुछ ना कुछ डिफिशियंसी की वजह से, कुछ ना कुछ लिमिटेशंस की वजह से वो रूल कुछ टाइम तक के लिए वैलिड थे या कुछ एलिमेंट्स के लिए वैलिड थे, उसके बाद वो इनवैलिड हो गए। कुछ नए क्यों इनवैलिड हुए, कुछ नए कॉन्सेप्ट डिस्कवर हो गए, कुछ नए एलिमेंट डिस्कवर हुए जो कि पिछले रूल को फॉलो नहीं कर रहे थे, पिछले जो मतलब प्रीवियस जो हमने सेट किया था पैटर्न उसको फॉलो नहीं कर रहे थे, ठीक है। तो हम कहते हैं आज 4 to 5 ट्राई करेंगे, 4 to 5 जो हमारे कॉन्ट्रीब्यूशन है साइंटिस्ट को पढ़े। तो फर्स्ट जो हम लोग पढ़ने वाले वो है यूनिटरी थियरी, ठीक है। फर्स्ट जो हम यहाँ पढ़ते हैं यूनिटरी थियरी। ये जो थियरी था वो दिया था कितने, विलियम प्रॉस्ट ने 1815 में, कब 1815 में, विलियम प्रॉस्ट नाम के साइंटिस्ट ने स्टार्ट किया था कुछ एलिमेंट्स को अरेंज करने का। तो इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि जितने भी अभी तक एलिमेंट डिस्कवर हुए हैं उनके जो है एटॉमिक वेट जो है वो एक होल नंबर होंगे। एटॉमिक वेट क्या होंगे, एटॉमिक वेट आर होल नंबर, इन्होंने बस इतने ही स्टेटमेंट बोला, ठीक है। इन्होंने ऐसा बोला कि जितने भी एलिमेंट डिस्कवर हुए हैं या फिर होने वाले हैं वो क्या होंगे, उनके एटॉमिक नंबर एक होल नंबर हो, एटॉमिक वेट एक होल नंबर होगा, लाइक जैसे कैल्शियम का 40 हो गया, कार्बन का 12 हो गया, ठीक है। तो इन दिस वे इन्होंने ऐसा रेफरेंस लिया हाइड्रोजन को रेफरेंस लिया, बोला हाइड्रोजन का कितना होता है एटॉमिक वेट, 1 हम मानते हैं, ठीक है, होल नंबर 1 एक होल नंबर है। बोला अगर आप कार्बन बनाना चाहते हो, कार्बन का कितना होता है एटॉमिक वेट 12, तो बोला अगर आप 12 कार्बन को एक साथ ऐड करो, कंबाइन कर दो, 12 कार्बन को कंबाइन करते हो तो आपको एक ऐसा एलिमेंट मिलेगा जिसका एटॉमिक नंबर 12 होगा, सॉरी 12 हाइड्रोजन को, 12 हाइड्रोजन को अगर आप कंबाइन करते हो तो आपको एक नया एलिमेंट मिलेगा, उसका एटॉमिक नंबर 12 तो हो गए ऑब्वियस, एंड देन उसको हम बोलेंगे कार्बन, ठीक है। उन्होंने इसी टाइप से बोला कि अगर हम कैल्शियम का कितना होता है 40 होता है, बोला अगर 14 हाइड्रोजन को कंबाइन करके हम कैल्शियम बना सकते हैं, क्योंकि एक है इसका 1 है तो 1 1 1 1 40 टाइम ऐड करेंगे तो 40 आ जाएगा हमारे एटॉमिक मास, ठीक है। तो यूनिटरी थियरी के अकॉर्डिंग हमारा जो है एटॉमिक मास से होल नंबर होता है, और हम हाइड्रोजन को ऐड करके हम नए नए एलिमेंट को बना सकते हैं। बट प्रॉब्लम तब आई जब कॉपर का जो था एटॉमिक मास आ गया 63.5 और क्लोरीन का आ गया 35.5, ठीक है। तो ये जो था कुछ एलिमेंट्स के लिए वैलिड था, जैसे कैल्शियम तक हो गया या फिर कुछ जिसके होल नंबर एटॉमिक वेट आते वो तो भाई उसके लिए वैलिड था। बट जब एक टर्म हमारा आया आइसोटोप, जब आइसोटोप का कॉन्सेप्ट आया, आइसोटोप के अकॉर्डिंग क्या होता है, एक ही एलिमेंट का अलग अलग एटॉमिक मास हो सकता है ना, तो अलग अलग एटॉमिक मास एक ही एलिमेंट का हो सकता है, तो इसके अकॉर्डिंग तो एलिमेंट ही अलग हो जाएगा ना, क्योंकि ये क्या बोल रहा है कि एक का, जैसे अगर हम
क्लोरीन का देखें, क्लोरीन का 37 होता है और 35 होता है एटॉमिक वेट। तो अगर हम इसके अकॉर्डिंग देखें, इसके अकॉर्डिंग तो 37 के लिए अलग एलिमेंट बनना चाहिए था, 35 के लिए अलग एलिमेंट बनना चाहिए था, लेकिन यहाँ ऐसा तो नहीं हो रहा था। तो जब आइसोटोप की डिस्कवरी हुई, ये रूल वैलिड नहीं रहा, इनवैलिड हो गया। ठीक है, चलो ये था आपका क्या यूनिटरी थियरी। आपको ज़्यादा नोट करने की जरूरत नहीं है, किसने दिया था, क्रॉस ने दिया था 1815 में, और उनका जो स्टेटमेंट है वो है कि ऑल एटॉमिक आर एटॉमिक वेट ऑफ ऑल एलिमेंट आर होल नंबर। ठीक है, इतना को नोट करना है। चलो तो इनका वैलिडिटी कब नहीं रहा, जब आइसोटोप की डिस्कवरी हो गई। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारा डोबे राइनर ट्राइड्स, डोबे राइनर ट्राइड्स, इन्होंने कब डिस्कवर किया था, 1817 में। साइंटिस्ट का नाम सेम था, डोबे राइनर। तो 2 ईयर लेटर इन्होंने क्या किया, इन्होंने ट्राई किया एलिमेंट्स को अरेंज करने का। इन्होंने क्या बोला कि अगर हम इनका जो बेस था, पहले वाले का बेस क्या था, हाइड्रोजन एटम, इनका जो बेस था या रेफरेंस था वो था एटॉमिक वेट। मतलब किसके बेस पे इन्होंने अरेंज करना चाहा, एटॉमिक वेट के बेस पे, एटॉमिक मास के बेस पे। इन्होंने बोला अगर हम क्या करें, 3 एलिमेंट को एक ग्रुप, जैसे ए बी सी ले लो। उन्होंने बोला अगर हम ए बी सी को एक साथ रखें, ठीक है, तो उन्हीं 3 एलिमेंट को हम एक साथ रख सकते हैं, ठीक है, और उन्हीं 3 एलिमेंट का प्रॉपर्टी सेम होगा, जिनको भी एक साथ रखेंगे उनकी प्रॉपर्टी सेम होगी। तो अगर हम 3 एलिमेंट को साथ रख सकते हैं जिसकी प्रॉपर्टी सेम होगी, तो इन दोनों का अगर एटॉमिक वेट, इन दोनों का एटॉमिक मास वेट का जो एवरेज होगा वो इसके इक्वल होगा। नहीं समझ में आ रहा है, एटॉमिक वेट का हम एवरेज कैसे निकालते हैं, जैसे एक्स प्लस वाई है, तो एक्स का एटॉमिक वेट 5 है, वाई का एटॉमिक वेट 7 है, और कितना नंबर, 1, 2, तो 2 से डिवाइड कर देते, ये होता है एवरेज निकालने का फॉर्मूला। तो एवरेज निकालने का फॉर्मूला क्या है, जितना दिया हुआ है वेट उसको ऐड कर दो और जितना नंबर है उससे डिवाइड कर दो। ठीक है, तो 2 था, दोनों को ऐड करके डिवाइड करेंगे, 3 रहेगा तो 3 को ऐड करेंगे, जैसे अगर जेड आता है तो जेड का कुछ 5 मान लो, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, सबको ऐड करके, तो ये होता है एवरेज। तो ये वैल्यू जो होगा, उन्होंने बोला कि ये दोनों का वैल्यू अगर हम निकालें, तो ये यहाँ जो वैल्यू होगा वो तीसरे के एटॉमिक वेट के इक्वल हो जाएगा, मतलब थर्ड वन के एटॉमिक वेट के इक्वल हो जाएगा। इसको एग्जांपल से समझते हैं, उन्होंने क्या किया, लिथियम सोडियम और पोटेशियम, लिथियम सोडियम एंड पोटेशियम को एक साथ रखने का मतलब है तीनों का प्रॉपर्टी सेम होगा, जैसा ये होगा कलर वैसा ये कलर, जैसा इसका रिएक्शन होगा वैसे इसका रिएक्शन होगा। ठीक है, तो लिथियम का होता है 3, इसका होता है 7, 23 एंड ये 39 है। ठीक है, ये आपका एटॉमिक वेट है। तो अगर आप इसका एटॉमिक वेट और इसका एटॉमिक वेट का एवरेज निकालोगे, अगर 23 आ जाएगा, मतलब आप इसको ऐसे अरेंज कर सकते हो डोबे राइनर के अकॉर्डिंग। ट्राइड्स का मतलब है 3, ठीक है, 3 एटम को उन्होंने एक साथ अरेंज किया था, 3 एलिमेंट को। तो चलो निकालते हैं, 29 प्लस 7 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा एवरेज का फॉर्मूला, तो कितना आ जाएगा 5 और 14 और 2 16 और ये कितना हो जाएगा 30 तो अकॉर्डिंग टू रोबेरनर ट्राइड्स, जो दो एडजेसेंट उन्हीं एलिमेंट को रख सकते हो आप जिसका एवरेज एटॉमिक वेट थर्ड वन में, मिडिल वन के एटॉमिक वेट के इक्वल आ जाए। ठीक है, अगर आप यहाँ कोई दूसरा एलिमेंट लाइक हाइड्रोजन रख देते हो तो ये पॉसिबल नहीं है, बिकॉज इसका एवरेज एटॉमिक वेट इसके इक्वल नहीं आएगा। तो उन्होंने इस पैटर्न में अरेंज किया था, और भी बहुत से एलिमेंट को उन्होंने अरेंज किया, जैसे कैल्शियम स्ट्रॉन्शियम बैरियम। तो अगर कैल्शियम और बैरियम का एवरेज एटॉमिक वेट निकालोगे तो स्ट्रॉन्शियम के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो उन्होंने आपको बुक अगर आपके पास है तो देख सकते हो, उन्होंने बहुत सारे ऐसे मतलब कुछ एलिमेंट्स तक के लिए वैलिड था, उसके बाद ये इनवैलिड हो गया रूल, क्योंकि सारे एलिमेंट के लिए अप्लाई नहीं हो रहा था। ठीक है, तो ये था डोबे राइनर ट्राइड। नेक्स्ट आते हैं कुक्स होमोलोगस सीरीज। नेक्स्ट हमारा क्या है,
नेक्स्ट जो कंट्रीब्यूशन है वो कुक्स नाम के साइंटिस्ट का है। होमो लोबस सीरीज, इन्होंने कब डिस्कवरी किया था? इन्होंने किया था 1854 में किया था डिस्कवरी। कुक्स नाम था साइंटिस्ट का। तो इन्होंने क्या बोला, आपने होमोलोगस सीरीज पढ़ा होगा 11th में पढ़ा होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। होमोलोगस क्या होता है, जैसे अगर हमारा कोई एक मॉलिक्यूल पहले से ए है, ए में हम कुछ ऐड कर दिए एक्स, ए में एक्स को ऐड किया तो आपको बी मिलेगा। क्या मिलेगा? ए में एक्स को ऐड कर कुछ नया मिलेगा उसको हम बी नाम देते हैं। तो ए और बी का प्रॉपर्टी सेम होगा। इट मीन्स अगर आप पहले से किसी भी एलिमेंट में कुछ ऐड करके दूसरा बना रहे हो, ठीक है, तो उस सेकेंड वन का जो होगा प्रॉपर्टी फर्स्ट वन के जैसा ही होगा। लेकिन क्या होगा, कुछ ना कुछ तो चेंज हुआ। तो इन्होंने क्या किया कि पहले जो हमारे पास उन्होंने कुछ जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, उन्होंने इन पांच को एक साथ रखा और क्या बोला कि अगर इसके एटॉमिक वेट में हम कुछ ऐड कर दें तो एक नया वाला एटॉमिक वेट हमको मिलेगा। कितना आता है इसका? 31 आता है ना, 31 है, देन 75 है, 19 है और 207 है, ऐसा है। तो उन्होंने बोला अगर इस को हम ए मान ले, राइट, तो इसको भी पहले ए बनाओ। ए बनाने क्या करेंगे, इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहले यहाँ से 14, मतलब ए का मतलब क्या होगा 14 में कितना ऐड करो, 31 हो जाएगा 17। तो बोला अगर आपने 14 में 17 को ऐड किया तो एक नया एलिमेंट मिलेगा और वो जो एलिमेंट आपको मिलेगा उसको आप इसी ग्रुप में रख सकते हो। दैट मीन जो प्रॉपर्टी इस वाले फर्स्ट वाले का होगा वही प्रॉपर्टी सेकेंड वाले का होगा, ठीक है। फिर वैसे ही आगे बढ़ते गए, इन्होंने क्या किया, ए प्लस बी प्लस सी, मतलब इसमें आपको 31 में 14 प्लस 17 करोगे प्लस एक और करोगे तो आपको ये मिलेगा। उसके बाद ए प्लस बी प्लस 2c, देन ए प्लस बी प्लस 4c। इसका मतलब क्या हुआ कि आप जैसे जैसे इसमें कुछ ऐड करते जाओ, इसी में हमने ऐड करे, इसमें हम 17 ऐड करें, फिर हमने क्या किया इसी में से कुछ और ऐड करके दिए बनेगा, फिर इसमें ही कुछ और ऐड करके दिए बनेगा। तो अगर आपको इसी में से ऐड करने पे बन रहा है तो इस जो भी नए एलिमेंट मिलेंगे तो उसकी प्रॉपर्टी इसके जैसा ही होगा। तो हमने देखा भी है कि अभी हम क्या देख सकते हैं अभी वाले पीरियोडिक टेबल में भी कि ये सारे एक ही ग्रुप में अरेंज हैं, मतलब इनकी प्रॉपर्टी सेम है, ठीक है। तो कुछ हद तक ये जो था कुक्स होमोलोगस सीरीज वैलिड था, उसके बाद क्या हुआ ये इनवैलिड हो गया कुछ नए टर्म्स आने के बाद, ठीक है। चलो यहाँ तक देख लेते हैं। तो ये हमारा था कुक्स ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया था कुछ। इन्होंने क्या बेस लिया था, एटॉमिक वेट को और प्रॉपर्टीज को, एटॉमिक वेट को प्रॉपर्टीज को एक बेस मान करके इन्होंने क्या किया था, अरेंज करना चाहा, ठीक है। एक सेकेंड, ओके। नेक्स्ट वन इज आवर न्यूलेंस ऑक्टेट, न्यूलेंस ऑक्टेट्स, ये जो साइंटिस्ट थे ए आर न्यूलेंस, इन्होंने दिया था न्यूलैंड 1865 में दिया था, ठीक है। यार न्यूलैंड साइंटिस्ट का नाम है, उन्होंने 1865 में क्या बोला, इन्होंने बोला अगर आप एलिमेंट को अरेंज करो एक क्या कॉलम में, ठीक है, सॉरी रो में, एक रो में अरेंज करो, तो अगर आप 7 एलिमेंट को रखते हो, इन्होंने क्या किया 7 एलिमेंट को रखा, जो 8th एलिमेंट को इन्होंने रखना चाहा तो ये जो 8th एलिमेंट का प्रॉपर्टी है वो फर्स्ट वाले से मैच कर जाता था, ठीक है। तो उन्होंने एक ऐसा बहुत सारे जैसे कि अगर आप बात करो लिथियम, बेरिलियम, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, 1 2 3 4 5 एल्यूमिनियम, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, देखो तो लिथियम बेरिलियम कितने हो गए, 3 और 4, 7 हो गए। तो बोला अगर 8 जो नया वाला आएगा, अगर आप 8 एलिमेंट को रखते हो तो आता है सोडियम, और सोडियम आपका जो 8 एलिमेंट है उसका प्रॉपर्टी फर्स्ट वाले से मैच करता है, ठीक है। तो देखो हमने अभी भी पढ़ते हैं कि सोडियम लिथियम के ग्रुप में ही आता है सोडियम, तो ये हो गया सोडियम। उसके बाद फिर से रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा, राइट। तो अकॉर्डिंग टू दिस थियरी इनके ऑर्डिंग क्या है, अगर आप एलिमेंट को कुछ इस तरह से अरेंज करो कि
कि एक के बाद आप एटॉमिक वेट पे बेसिस पे ये भी था, उन्होंने बोला कि एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते जाओ, तो जैसे आप सेवेंथ एलिमेंट अरेंज कर लोगे और एट्थ एलिमेंट को उसी इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर आप अरेंज करना चाहोगे तो आपका आप देखोगे कि जो फर्स्ट वाला एलिमेंट था उसके जैसा ही रहेगा हमारा एट्थ वाला एलिमेंट, ठीक है। मतलब उसका जैसा प्रॉपर्टी फर्स्ट वाले एलिमेंट का है वैसे ही प्रॉपर्टी हमारा एट्थ वाले एलिमेंट का हो जाएगा, जैसा प्रॉपर्टी सेकंड वाले का है फिर नाइन्थ वाले का हो जाएगा, थर्ड वाले का है फिर टेंथ वाले का हो जाएगा, ऐसे प्रॉपर्टी आपका रिपीट करता रहेगा, ठीक है, अगर हमने एटॉमिक वेट के बेसिस पे इसको अरेंज किया तो, राइट। सो अकॉर्डिंग टू इसमें ही बोलते हैं ऑक्टेव्स मतलब एट्थ जो एलिमेंट है वो रिपीट हो जाएगा प्रॉपर्टी के टर्म में लाइक फर्स्ट वन, ठीक है, पहले वाले से। अब इसको इन्होंने समझाया कुछ इस तरह से, जैसे आप हिंदी में म्यूजिक सीखते हो तो सरगम आता है ना, स रे ग म प द नि सा, तो स रे ग म प द नि सा, ठीक है। तो जैसे आप सेवेंथ जाते हो सरगम में तो एट्थ वाला जो सरगम आता है फिर से फर्स्ट वाला रिपीट आ जाता है ना स, ठीक है, स रे ग म प द नि सा, तो फर्स्ट वाला स था, लास्ट वाला भी हमारा मतलब जो नेक्स्ट आ रहा है वो भी सार है, और फिर से आप रिपीट करते हो उसको, तो सेम वे में बताया कि आप अगर सेवेंथ एलिमेंट को कुछ इस तरह से अरेंज करते हो तो अगर आप अरेंज करते जा रहे हो तो एट्थ वाला जो आएगा उसकी प्रॉपर्टी फर्स्ट वाले के जैसी ही होगी, मतलब आपको फिर से वापस कहाँ आना पड़ेगा फर्स्ट वाले में। बट क्या था, उस इन्होंने 18th वाले ग्रुप की कोई बात ही नहीं की, नोबेल गैसेस की कोई बात ही नहीं की, क्योंकि उस टाइम तक नोबेल गैस की डिस्कवरी नहीं हुई थी, ठीक है। तो हमको पता है कि हम 18 में जाते हैं तो नोबेल गैस मिलेगा हमको, मतलब 8th जाएंगे तो नोबेल गैस मिलेगा जिसकी प्रॉपर्टी फर्स्ट वाले से तो मैच नहीं कर सकती, तो दैट टाइम तक हमारा नोबेल गैस की डिस्कवरी नहीं हुई थी, तो इसीलिए ये रूल उस टाइम तो वैलिड लगा, उस टाइम कुछ एलिमेंट 20 एलिमेंट तक, मतलब कैल्शियम तक, इन्होंने कितने तक किया था कैल्शियम तक, क्योंकि कैल्शियम के बाद आता है स्कैंडियम जो कि ट्रांजिशन एलिमेंट है, और अगर हम वैसे ही रिपीट करते जाएंगे तो कैल्शियम के बाद जो 8th वाला आएगा वो हमारा ट्रांजिशन एलिमेंट आएगा और वो हमारा अल्कली से मैच नहीं करेगा, तो ये दो लिमिटेशन था, इन्होंने 20 तक एलिमेंट को ही अरेंज कर पाया, ठीक है, 20 एलिमेंट तक ही अरेंज कर पाया और नोबेल गैस को कंसिडरेशन नहीं किया, तो जब नोबेल गैस आ गया तो ये रूल इनवैलिड बन गया, मतलब तो वैलिड नहीं रहा, और जब ट्रांजिशन एलिमेंट की बात आई तब भी ये रूल वैलिड नहीं था, ठीक है। तो ये था हमारा न्यूलैंड ऑक्टेव्स, ओके। नेक्स्ट हमारा है, एक और हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद और भी है उसको बाद में देखेंगे, इस वीडियो में हम एक और देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा है लूथर मेयर अरेंजमेंट, लूथर मेयर साइंटिस्ट का नाम है, उन्होंने क्या किया था, अरेंज किया था एलिमेंट को इन 1869 में। उन्होंने क्या किया, इन्होंने फिजिकल प्रॉपर्टीज को बेस माना, लेकिन किसका फंक्शन माना, एटॉमिक नंबर का, बोला कि अगर हम एटॉमिक नंबर के टर्म में अगर हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं और फिजिकल प्रॉपर्टी को देखते हैं, ठीक है, तो फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या क्या लिया इन्होंने, डेंसिटी, वॉल्यूम और बहुत सारे हो गए, जैसे कि डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, ये सारे डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, ये सारे फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं ETC। तो उन्होंने बोला अगर एलिमेंट को आप एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हो और उसके फिजिकल प्रॉपर्टी पे ऑब्जर्वेशन करते हो तो आप कुछ एलिमेंट को अरेंज कर सकते हो, ठीक है। इन्होंने कुछ एलिमेंट को ही अरेंज कर पाया और इनका ही कॉन्सेप्ट यूज करके मेंडलीव, जो कि सेकेंड लास्ट, मतलब अभी जो हमारा लॉन्ग टर्म है ना, लॉन्ग पीरियडिक टेबल पढ़ते हैं, लॉन्ग फॉर्म पीरियडिक टेबल या फिर मॉडर्न पीरियडिक टेबल बोलते हैं, तो ये जो मॉडर्न पीरियडिक टेबल का आइडिया है वो मेंडलीव से लिया गया है, मेंडलीव पीरियडिक टेबल से, मेंडलीव पीरियडिक लॉ से, और मेंडलीव ने इनके आइडिया को यूज करके अरेंज किया था एलिमेंट को। पहले लोग क्या कर रहे थे, एटॉमिक वेट के बेसिस पे चल रहे थे, प्रॉपर्टीज के बारे में कोई देख ही नहीं रहा था, तो इन्होंने पहली बार क्या किया, प्रॉपर्टीज के बेसिस पे देखा, ठीक है, प्रॉपर्टीज के बेसिस पर एलिमेंट को अरेंज करना चाहा, और इसी का कॉन्सेप्ट यूज करके मेंडलीव ने क्या किया कि कुछ बहुत सारे एलिमेंट को उन्होंने अरेंज किया और कुछ ऐसे भी एलिमेंट का स्पेस बना के छोड़ दिया जो कि डिस्कवर नहीं हुए थे, और जब डिस्कवर हुए तो उनकी प्रॉपर्टी वैसे ही मैच हुई जैसे उन्होंने बोला था, और वहीं पर रखा गया जहां पर उन्होंने ब्लैंक स्पेस को छोड़ा था, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, लूथर मेयर का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा, बिकॉज मेंडलीव ने इनके कॉन्सेप्ट को यूज करके आगे बढ़ाया, और फिर मेंडलीव को यूज करके हमारा अभी जो है मॉसले नाम के साइंटिस्ट ने जो वो मॉडर्न पीरियडिक टेबल बनाया, ठीक है। तो फाइनली हमने यहाँ तक देख लिया,
और ये था हमारा लॉक्समेयर, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे मेंडली पीरियोडिक टेबल और उसके फीचर और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे हमको टर्म्स पढ़ने हैं, तो फिलहाल हम ये वीडियो को स्टॉप करते हैं। हमने क्या देखा, थ्री और फोर एक्सीडेंट, हमने फाइव देखी है ना। फर्स्ट वन यूनिटरी थियरी देखा, उन्होंने क्या बोला था, आइसोटोप होल नंबर हो सकता है। देन हमने देखा डोबेराइनोट्राइड, उन्होंने बोला कि अगर आप तीन एलिमेंट को साथ में रख दो उनकी प्रॉपर्टी सेम होगी, लेकिन किसको साथ में रख सकते हैं, जिसके दो एडजेसेंट का एटॉमिक एवरेज एटॉमिक वेट थर्ड वन के इक्वल हो उसी को साथ में रख सकते हो, उनकी प्रॉपर्टी सेम हो जाएगी। देन कुक्स ने लिया था होमोलोगस सीरीज और उनकी प्रॉपर्टी भी सेम थी। देन न्यूलैंड्स ऑक्टेव ने बोला कि आप सेवन एलिमेंट को हम अरेंज कर सकते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में, एट अगर अरेंज करना चाहोगे तो फिर से आप फर्स्ट पे पहुंच जाओगे, ठीक है, मतलब प्रॉपर्टी सेम हो जाएगी। और उनका लिमिटेशन क्यों आया, मतलब उनका जो रूल इनवैलिड क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ डिस्कवरी ऑफ नोवेल गैसेस और लेंथनाइड, मतलब जो डी ब्लॉक के एलिमेंट थे, डी ब्लॉक के एलिमेंट के लिए भी वैलिड नहीं रहा और फिर नोवेल गैसेस के लिए वैलिड नहीं रहा, ठीक है। देन हमारा आया लोथोमेयर, जिन्होंने प्रॉपर्टीज के बेसिस पे मतलब फंक्शन माना, मतलब प्रॉपर्टीज और एटॉमिक वेट के दोनों को कंसीडर करके किया। पहले लोग सिर्फ एटॉमिक वेट को कंसीडर करके कर रहे थे, अब इन्होंने क्या किया, फिजिकल प्रॉपर्टी और एटॉमिक वेट, और इसको यूज किया कि मेंडलीव ने बनाया और मेंडलीव को यूज करके हमारा बना है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो आगे के दो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। तो आप बेसिकली ये कभी क्वेश्चन पूछने नहीं जाते, ये आपके बेसिक नॉलेज के लिए, ठीक है, इंट्रोडक्शन पार्ट है इस यूनिट का, बट आपको नॉलेज होना चाहिए कि कितनी प्रॉब्लम फेस की गई एक पीरियोडिक टेबल बनाने के लिए, ठीक है। तो ऐसे कुछ भी साइंस में बन नहीं जाता, बहुत प्रॉब्लम होती है, बहुत से साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन होता है। तो इस पीरियोडिक टेबल के लिए 4, 5, 6, 7 बहुत सारे साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन, हमने नॉर्मली 5 तक अभी देखा है। नेक्स्ट देखेंगे मेंडलीव एंड देन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल नेक्स्ट वीडियो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग, ओके।